वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 12.25 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। 10 पैसे की तेज़ी देखने को मिली, 0.82% की तेज़ी देखने को मिली ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के अंदर। तो ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की मूवमेंट देखी जाए आज के दिन की, तो 24वीं मूवमेंट देखने को मिली। सुबह में ओपन होता ही गैप डाउन से ओपन हो चुका था, 12 लेवल पे ओपन होकर गिरावट भी हो चुकी थी सुबह में, फिर से रिकवरी देखने को मिली। और पूरे दिन भर यहाँ पे देख सकते कि प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया और डे एंडिंग में ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। तो देखा जाए तो मार्केट कैप भी देख सकते कि 722 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशियो 684 का है, जो कि बहुत ही ऊपर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पिछले 5 दिनों में तकरीबन देख सकते कि स्टॉक के अंदर 1.61% की गिरावट देखने को मिले। तो विकास लाइफ केयर का यहाँ पे देख सकते कि वॉल्यूम भी देखा जाए आज के दिन का, तो वॉल्यूम चेक किया जाए तो विकास लाइफ केयर स्टॉक में देख सकते कि टोटल जो वॉल्यूम है देख सकते कि 6,74,000 का वॉल्यूम, सॉरी ऊर्जा ग्लोबल में 6,74,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू देखोगे तो 81 लाख की यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू है। इतनी खास यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिल रही है आजकल। तो ऊर्जा ग्लोबल में डाटा भी अनअवेलेबल है रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो चार्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे ऊर्जा ग्लोबल के। तो ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की चार्ट देखी जाए तो आज डोजी से कैंडल फॉर्म हो चुकी है गिरावट में। मैं यहाँ पे देख सकते कि पिछले 28 दिनों से में से एक मंथ से देख सकते कि बहुत ही वीक मूवमेंट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। टोटली रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है और देख सकते कि ऊपर अवॉर्डिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे स्टिकी देख सकते हो। मीन्स यहाँ पे वीक मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो रिसेंटली आज देख सकते कि जो सपोर्टिव लेवल थी है भी 11.65 से का सपोर्ट लेके तो बाउंस बैक हो चुका है, फिर से नीचे आएगा तो उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए।